नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं पटना की सड़कों पर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप पोस्टर देख पा रहे हैं, यहां है चिराग पासवान जी। वो चिराग पासवान जिन्होंने कल आशीर्वाद यात्रा की घोषणा की है, घोषणा रामविलास पासवान यानी कि अपने स्वर्गीय पिता के लिए, जिनकी कल जयंती है। वो जयंती जिससे लोग इमोशनली जुड़ रहे हैं। रामविलास पासवान दलितों के देवता कहे जाते थे और कल जो है वो उनके निधन के बाद पहली जयंती जो है वो बिहार की जनता मना रही है। इसके लिए काफ़ी इमोशनली कनेक्ट हो रही है इस चीज़ से। और चिराग पासवान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इस दिन वो आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे हैं अपने पिता के लिए। हालांकि LJP दो गुटों में बढ़ चुकी है और रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति पारस, उन्होंने भी कहा है कि वो LJP की तरफ से काफ़ी ग्रैंड लेवल पर उनकी जयंती को मनाएंगे। कल बिहार की राजनीति में धमाका होने वाला है क्योंकि राजद की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि रामविलास पासवान की जयंती को वो मनाएंगे और कल राजद अपना 25वां स्थापना दिवस ही मना रहा है, यानी कि सिल्वर जुबली भी सेलिब्रेट कर रहा है। अब बिहार की राजनीति में खास क्या होने वाला है ये सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे बाद बिहार लौट रहे हैं और दूसरा कल चिराग पासवान भी बिहार आ रहे हैं। इस लिहाज से कल बिहार की राजनीतिक जगत के लिए ये बड़ा दिन बताया जा रहा है, जिस तरीके से बैक टू बैक चीज़ें होने वाली हैं। तो पटना की सड़कों पर कुछ इस तरीके से बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। एक बार मैं चाहूँगी कि आप पूरा पोस्टर देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये वो लाइन है जिसका इस्तेमाल चिराग पासवान की तरफ से विधानसभा चुनाव के वक्त भी काफ़ी तौर पर किया गया था, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पापा चाहते थे कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को प्रमोट किया जाए। धर्म न जात करे सबकी बात, ये जो पोस्टर है ये LJP की तरफ से लगाया गया है। ठीक इस पोस्टर के पीछे एक और पोस्टर लगाया गया है जो थोड़ा छोटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान दोनों ही मौजूद हैं, विनय कुमार सिंह और साथ ही यहाँ राकेश रोशन की भी फोटो लगाई गई है। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर चिराग पासवान की तरफ से लगाई जा रही है उसमें पशुपति पारस नहीं है और जो पोस्टर पशुपति पारस की तरफ से लगवाई जा रही है उसमें चिराग पासवान नहीं है। तो लोजपा जो दो गुटों में बटी है उसकी तस्वीर पोस्टर और बिहार के सड़कों पर भी देखी जा सकती है। और उसके बाद देखिए, लगातार पटना की सड़कों पर इस तरीके से आशीर्वाद यात्रा के लिए छोटे और बड़े बैनर पोस्टर लगवाए गए हैं। तो कल बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी बड़ा दिन रहने वाला है, यहाँ से लेकर के यहाँ और इसके बाद लगातार ऐसे ही पाँच छः पोस्टर जो है वो लोजपा की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें चिराग पासवान 5 जुलाई को रामविलास पासवान के लिए जो है वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, और जिसकी शुरुआत मैं आपको बता दूं हाजीपुर से होगी। हाजीपुर से इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी और जैसा कि प्रवक्ताओं की तरफ से बताया गया 16 जुलाई से ये आशीर्वाद यात्रा जो है वो 16 जुलाई तक चलने वाली है। और इसके बाद इंटरेस्टिंग सा पार्ट ये है कि हम पहुँच चुके हैं राजद कार्यालय और इसके बाद इसके बाद जो सड़क है वो राजद के रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। हरे हरे बैनर पोस्टर राजद के स्थापना दिवस की यहाँ पे शुभकामनाएं देते हुए, और मेरे पीछे अगर आप इस तरफ देखें तो लोजपा से हट के इधर आपको राष्ट्रीय जनता दल जो है वो उनकी पोस्टर दिखाई देगी, 25वां स्थापना दिवस, सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन। और इस तरीके से राजद कार्यालय में भी जो है वो आज से उद्घाटन कर दिया गया है और कल हो जाएगा ग्रैंड सेलिब्रेशन। तो ये कल 5 जुलाई को बिहार की राजनीति में होने वाला है। खास आगे क्या कुछ होगा ये अपडेट लेके हम आपके बीच आते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ आप यूं ही बने रहिए और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।